मैडम जी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? सिजेरियन हुआ है, देखो कितने प्यारे हैं, राज तो ला रहे हैं। रीमा, रीमा से देखो, इसे क्या हुआ है? देखो, इंजेक्शन दिया है, वरना डॉक्टर बेरी ने जो किया वो इसने होने देना था। अभी तो होश में आके रबड़ के गुड्डे देखेगी, फिर एक नई कहानी। धनी क्या सोचा डॉक्टर बेरी ने? चलो क्यों ना ऐसा करो? क्यों? आप फिर अच्छी नहीं लगती क्या? बहुत अच्छी लगती हो। फिर? बस थोड़ी साइको लगती हो। मैं? साइको? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अभी सबसे बड़ा पागल तू है। Look at you, my God! Oh my God! मैं तो तेरी तेरी जो गनिया, मैं तो तेरी तेरी जो सर। या नादिया, आप ठीक है सर? I'm fine. सर, बोर्ड रूम में एक्चुअली आपका इंतजार हो रहा है, मीटिंग है आपकी। Let's go. जी सर। I'm आयशा चौधरी। मेरा नाम अयान अली। Myself नियाज। सबा। My name is Annie. आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनसे मिलकर तो आपको बहुत खुशी होगी। ये टीना है, she's an actress, a model. क्या हर अजनबी इंसान से मेरा तारुफ करवाना जरूरी है बैरी? ये अजनबी नहीं है टीना, ये अब हमारे साथ ही रहेंगी। डॉक्टर परेशान, मुझे परेशान ना करना, चलो अपने काम करो। बुरी बात टीना? बुरी बात? और जो तुम कर रहे हो वो, अगर वाकई मेरा फौत होने का प्लान बन जाता तो मेरा कफन मैला होने से पहले तो अपने नई दोस्त को बुला ली। टीना, मैं आपके लिए यहाँ आई और आज से यहीं रहूंगी। Does anyone care? I don't. लगता है यहाँ काफी सीरियस पेशेंट भी हैं उनके पास। क्लोज वार्ड की क्या पोजीशन? जच्चा को होश आ गया था, बच्चे को देखे बगैर फिर से बेहोश हो गए। Keep her under observation. She'll be fine. ये रीमा है, हमारी वार्ड में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर परेशान। आइए, आपको चाय पिलाते हैं और बाकी लोगों से भी मिलवाते हैं। जरूर, प्लीज। हाँ जी, कैसी लगी फिर बैरी की डॉक्टर? ओवरसी, चकल से डॉक्टर कम है पर्ची ज्यादा नहीं। अमेरिका से पढ़कर आई है मैंने सुना। तुम तो बैरी हो, गलत सुना। छज्जू, शामी, मेरे बच्चे, शामी, शामी, छज्जू, शामी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? शामी, कोई है? छज्जू, मेरे बच्चे, बच्चे कहाँ मेरे? बिस्तर से क्यों उठी हो? आ रहे हैं अभी, यहीं थे मेरे देखे थे। जान पैदा हो गए? हाँ जी, हो गए। मैंने कितना मना किया था कि नहीं आओ, फिर भी आ गए ना तुम लोग। चलो, अब आ गए हो तो वेलकम टू द क्रेजी वर्ल्ड। मेरी जंची को देखो तो मेरा बोला गुड्डो।
तो कितना क्यूट है तू, बोलता क्यों नहीं है? शाबाश, अब तुम्हारी ईआरपी शुरू होगी। लाइन पे आ गई, गौर से देखो, तुमने इन्हें जन्म दिया है। गुड्डे हैं ये, खिलौने हैं, खिलौने। खिलौने तो माँ बाप होते हैं, बच्चे उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। जाओ, हो गई ना डिलीवरी, तुम लोग का काम हो गया, अब जाओ निकलो। चलो चलो शाबाश। मेरी जान को टूटू, मेरे कौन से लगे थे? अजो 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 अजो, मेरे कुट्टू बन गए। हाय हाय, से हाय टू मामा। ए क्यूटी बॉय, तुम उसको देखोगे तो यकीन नहीं करोगे, वो क्या थी और क्या होगी। इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान तुम बिल्कुल खोए हुए थे। क्लाइंट ने खास तौर पे मुझे इस चीज के बारे में पूछा है। Are you okay? I'm fine. No, you're not fine. जब से वो औरत आई है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों की चमक ही चली गई है। दूर जैसी हुई थी, पागलखाना तो डिजर्व नहीं करती थी। Oh, come on. इतना कुछ होने के बावजूद तुम कैसे बोल सकते हो वो सब? इंसान हो, और भी बहुत कुछ याद आ गया। लेकिन ख्वाब में भी नूर को ना सोचना, मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं देख सकती। जख्म तकलीफ जो उस जुनूनी लड़की ने थी सब याद रखना, और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी। Okay. वालेकुम सलाम। ये झूठे सलाम करना छोड़ दो, एक काम मैंने तुम्हें बोला था, लेकिन सलमान अभी भी अकेला घूम रहा है। वो मुझे करीब ही नहीं आने देते। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जो काम मैंने कहा है वो सही से करो, वरना तुम अच्छे तरीके से जानते हो मुझे। हो गया। सुना कि तुमने अभी तक अपने नवासे और नवासी को नहीं देखा। मुंह दिखाई देनी पड़ती है, नारकिया है इसकी जेब में। वो चुप कर जाओ, पैसा बड़ा। नाराज हो सेठ? तुमसे नहीं, इस मिरासी से। मिरासी? फनकार। बेकार। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे चूहों के कंधों पे सवार होके नहीं। आपके अंदर का शेर तो हम रोज ही देखते हैं। तंज करना चाह रहे हो? अच्छा, अपने गंगवर सेठ, हम अमीर लोगों से पंगा नहीं लेते। पता नहीं कब किसके घर महफिल करनी पड़ जाए, फिर ये मोर में तय का मामला। अच्छा अच्छा, माफ करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर हो गया था, दैट्स इट। गिरे तो ऐसे जैसे सिस्टर ने करंट मारा है, या फिर किसी ने। नहीं, दूर हो जा, देख लूंगा तुम लोगों में।
छुप के देखना पूंडी होती है, सामने हूं देख लू। Disgusting psychos! अगर हम साइको हैं, तो ये कौन है? थॉमस एडिस। टीडी डी डी। कुछ तो बोलो। खामोशी बड़ी जबान दराज होती है। बेजबानी बदजबानी है माँ के साथ। बोलो ना शामी, रो दो लेकिन कुछ तो कहो। कान तरस गए मेरे, बोलो ना मेरी जान, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ नूर, हाँ फिर आ गई। जाओ मेरे बच्चों को पहली नजर लग गई है। कभी माँ की नजर भी लगती है भला औलाद को? इन्हें तो लग गई है ना किसी की। ये देखिए बात ही नहीं करे, कुछ कह ही नहीं रहे। मैं डॉक्टर को बुला के लाती। तुम्हें बोलना होगा, और तुम्हें भी। नहीं बात करोगे ना, नहीं बात करोगे मुझसे तो पछताओगे। मैं बोल रही हूँ, बोलो बोलो बोलो। जान डाल दी गई है तुम्हें? हाँ संसारी है ना शुजू। शब क्यों खड़ी है? जाए डॉक्टर को बुलाए ना, मेरे बच्चे हरकत नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, जाइए। मैम तैमूर एक्सरसाइज करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो तुम क्यों इंसिस्ट कर रही हो? अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको घर भेजो। मैम व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि एक नफसियाती मरीज को नॉर्मल इंसान से ज्यादा जरूरत होती है वर्जिश की। ये फिर भी नहीं करती। तैयब इनको लेके जाए। ठीक है मैम। तैमूर टीना और नूर को जल्द इम्प्रूव होना चाहिए। ये लोग घर जाएंगे तो नए लोग और फंड्स आएंगे। ओके मैम आई अंडरस्टैंड। कहाँ है, कहाँ है डॉक्टर बहराम? मैम मुझे बताइए क्या हुआ है। अरे फेक डिलीवरी करवा दी, उसके बाद वो और अपसेट हो गई है। आराम से आराम से, हम उसका इलाज कर रहे हैं। ईआरपी हो रही है उसकी। नूर माँ बनने के वहम में मुब्तिला थी, अब बहुत जल्द उससे बाहर आ जाएगी। डोंट वरी शी विल इम्प्रूव। नहीं नहीं ये बताइए कैसे कैसे करेंगे आप लोग ये सब? वो आप हम पे छोड़ दें, हमारी जॉब है ना, हमें कर लेने दें। मेरी मासूम और शरीफ बच्ची, तुम लोग क्या तजुर्बे कर रहे हो उसमें? प्लीज रिलैक्स, विल टेक केयर ऑफ इट। क्या पागल कर दिया उसको, पागल कर दिया मेरी बच्ची को, पागल कर दिया तुम लोगों ने। शी इज जस्ट अपसेट। डॉक्टर बहराम और उनका तरीका इलाज। मेरे साथ आओ। आई सी, तो आप अलीशान साहब की बेटी? जी लेकिन उनकी पर्ची नहीं हूँ। फॉरेन क्वालिफाइड। आपने जहाँ से फेलोशिप की है मैंने भी वहीं से की है। ओह रियली, कौन से साल में थे आप? हाँ 5 साल पहले, फर्स्ट बैच। वाओ बड़े पढ़ाकू लग रहे। बस दिमाग जरूरत से कुछ ज्यादा ही चलता है, और अब इसी दिमाग से तंग आ चुका है ये। और इस दिमाग का इलाज किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास नहीं, कहीं और। देख लो कहा था ना हम दोस्त हो जाएंगे। देखो तुमसे मेरे बिना रहा नहीं गया, किसी से नहीं रहा जाता मेरे बिना। मेरे फैंस मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मुझे शादी करने के लिए मचलता है, लेकिन जो इंसान अपनी आंखें फेर ले इससे पहले उसकी आंखें नोच लेनी चाहिए। टीना कोई काम है, हम मीटिंग में। मीटिंग खत्म हो गई ना, मेरा सेशन करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं और बहराम पहले पैनल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 1-on-1 काउंसलिंग होगी, और मुझे इसकी काउंसलिंग की जरूरत नहीं। तुम जानते हो मुझे, बता देना इसे भी। इंटरेस्टिंग। बाइपोलर डिसऑर्डर। आइए आपको नूर से मिलवा। श्योर। नहीं नहीं चांद की रोशनी बहुत आती है। मास्क को और चांद को मर्ज कर देता हूँ। टीना तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही, उनकी पहली मुलाकात है ही नहीं। टीना यार बैरी मतलब कोई उसे यहाँ कौन कैसे क्यों लाया? मुझ पे तुम ऐसे बरस रही हो जैसे मैं लेके आई हूँ। अभी तो बेचारी आई है। नहीं साइड मत लेना उसकी,
तुम देख नहीं थी किस तरह से चिपक रही थी वो बैरी के साथ, दिल पे छुरियां चली। बात सुनो, तुम्हें यकीन है कि बैरी तुमसे मोहब्बत करता है? ओह 100% इश्क रोग है। मतलब मैं तो अपना कोई नॉर्मल फैन किसी साथी अदाकारा के साथ शेयर ना करूं, बैरी तो फिर मेरा सच्चा आशिक है। खैर अभी तो डॉक्टर परी का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, हो सकता है उसके बाद खुद ही भाग जाए। भाग गई तो बच गई, वरना मैं अपने साथ साथ उसको भी पंखे से लटका के झूला दूंगी। तो तुम्हारा मरने का खप जो है ना, खप नहीं रोमांस, खबरदार जो मेरे रोमांस को खप्त बोला। हिमा मेरा दिल चाहता है फौत होने को, पैरी को अपनी याद में तड़पता देखने को, और तुम देखना जल्दी होने वो पंडली। अब क्या हुआ? वैसे वो दोनों इस वक्त हैं कहाँ? दर्द दिल ने दर्द जहाँ से मिल के बड़ा बेचैन किया। दुनिया हमें पागल और साइको कह के दीवार से तो लगा चुकी है, क्यों ना हम सेठ नूर और टीना को भगाकर एक नई दुनिया बसा लें। सुभान अल्लाह, क्या कहने, टीना के चक्कर में सारे चक्कर चला रहा है ये जुरे, ये हमें फिर सितर पड़वाएगा। कहाँ से बाहर कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी ना बना सका तो कम से कम एक छोटा मोटा कारखाना लगा देंगे। हमें इंडस्ट्री की जरूरत है, कब तक मांग मांग के खाएंगे? आइडिया तो तेरा अच्छा है लेकिन तू बेकार है। क्यों? सर्टिफाइड पागल जो हो, टिंडी डिंडी। और तुम क्या हो? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस मंजूर उर्फ जूरा तेली हैं? बस एक बात तो बताओ, ये हर वक्त दिन रात अपने सर में जूते क्यों मारते रहते हो? ऐसा क्या जुर्म करके आए हो? हमें भी बताओ। भी बता तो। जाओ मेरे बच्चों की माँ को नजर मत लगा दे। तुम फूल हो और फूलों को नजर नहीं लगती, फिर मुरझा क्यों गए? मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे जुड़वा हुए, ये तो एक बार नहीं रोए। जब दुनिया में नहीं आए थे तो इतना खेलते थे, अब क्या हुआ इन्हें? क्योंकि ये बच्चे नहीं, रबड़ के गुड्डे हैं। जाओ, कौन है ये जाहिल मेरे बच्चों को रबड़ के गुड्डे कहती है? ठीक कहती है, तुम खुद देखो ना, ये इंसान है भला, तुम ऐसे बच्चों को जन्म दे सकती हो? नहीं। तुम्हें वाकई लगता है ये तुम्हारे बच्चे? तुम आराम करो, मैं फिर मिलने आऊंगी तुमसे। जाने वाले लौट कर नहीं आते। दरवाजा खोल दे जूरे, चित्रोल सर्विस दरवाजा खोल दे। ए, 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 आग लगी है क्या? जूरे तेरी ने मैं बाहर बंद करती हूँ। तो दूसरी तरफ से जाके दरवाजा तोड़ के निकल जाओ, शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे दौरा पड़ने लगा है। बैरी ने आके करंट लगाना है, बिजली आ चुकी है उसके पास, बलवा मत करो। मेरी मानो, चुप रहो, हालात बिगड़ चुके। लो जी हेडमास्टर, नतखनते बिगड़िया जे। ये कैसी आवाज? आप नाना बन चुके हैं, बच्चों की जगह ये दोनों चीज। क्या हुआ यहाँ? तो हम टूट गए और शो भी। तो मास्टर कम से कम चीखे तो सुर में मार। मेंटल केस। तैमूर अली खान को रोकोगे तुम? गुस्ताख चपड़ासी? चपड़ासी नहीं, वार्ड बॉय। मैं नाना बनाओ, जाकर देखो तो सही क्या हुआ है। वहम हुआ है, जाओ जाकर सुन होने का टीका शीका लगवाओ। मेरा मतलब है, अब सर मैं आराम से क्यों नहीं पूछ लेते? उसकी औकात नहीं, मैं उसके मुंह लगूं और तुम कह रहे हो
क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये अंदर जाने के लिए कह रहे थे। मैं नूर से मिलने जा रहा हूँ और ये कमबख्त कह रहा है कि मुझे इजाज़त चाहिए। इन्हें इजाज़त है? जी सर। आज़ादी के बाद तो क्या आगे बांधूंगा तुम्हें मैं? बाबा, सूरज और चांद मेरे आंगन में उतरने थे पर बोल नहीं रहे। शामी और शज्जू? ये तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये तो रबड़ के गुड्डे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्टाफ। नहीं नहीं, ये तुम इनको लेके जाएं और इनकी दवाई का वक्त हो गया। एक सेकंड, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये रबड़ के गुड्डे हैं। तुम इन्हें अब तक बच्चा बनाकर खेल रही हो? आप क्या कर रहे हो? आप परेशान कर रहे हैं इसे, हम इसके इलाज के इलाज ऐसी की तैसी तुम्हारी काम जान बना रहे हो इसे। तुम मेरी बेटी को पागल बना रहे हो, रबड़ के गुड्डे काम जान कोई काम जान नहीं। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा, खुद केस लड़ूंगा। मेरी बेटी को तुम पागल बना रहे हो। टेक इट दूर, ये असली नहीं है, ये रबड़ के गुड्डे हैं, पागल बना रहे तुम्हें। टेक गो, छोड़ो मुझे। बाबा ने भी कहा है कि तुम बेजान हो। वो ठीक कह रहे हैं नूर, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, मां बनने का वहम था। तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। जाओ दोनों, जाओ। नूर की सीबीटी का कोई खास फायदा हुआ नहीं, इसलिए मैं एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन करना चाह रहा था, बट जैसा आपका हुक्म हो। अब नो पैराम, आप मुझसे सीनियर हैं, मैंने तो बहुत कुछ सीखना है आपसे। और मुझे आपसे। नूर को रिलेशनशिप ओसीडी है, बहुत जल्द इस गुड़िया से उसकी जान छुड़वानी होगी। नूर की काफ़ी इंटेंस पर्सनैलिटी है, जिंदगी में काफ़ी कुछ हुआ है उसके साथ, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसके हालात के जिम्मेदार चंद वाकयात नहीं है, कुछ किरदार भी हैं। अगर वो हमें मिल जाए तो नूर के इलाज में बहुत आसानी हो सकती है। ये तैमूर, इनको क्या प्रॉब्लम है, और क्या ये नूर के रिलेटिव हैं? नो, इनका स्किज़ोफ्रेनिया इस वक्त एक्टिव स्टेज में। यही मिले नूर से, उसके मुंह बोले अब्बू बन गए। आइए, मैं आपको राउंड पे लेके जाता हूँ। श्योर, थैंक यू। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरी फजूल कहानियां सुनूं। 1 मिनट 25 सेकंड है तेरे पास, जो कहना कह दे। नूर की अम्मी आई थी मेरे ऑफिस। व्हाट, किस लिए? नूर पागल खाने में है, वो चाहती मैं जाकर मिलूं उससे। मुझे इस सिलसिले में तुझसे कुछ नहीं कहना, तूने यूं ही मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं चाहता हूँ तू नूर का पता कर और जाकर मिल उससे। तू क्यों रात में उंगलियां फेरना चाहता है और फिर से मेरा भी मुंह काला करना चाहता है? क्या होगा? तेरे घर पता चला कि मैंने तेरे नूर से राब्ता करवाया और तू उससे मिला है, तो ऐसी आग लगेगी ना जिसमें मैं भी जलूंगा। योगी, तेरी तरह ना मैं भी इकलौता हूँ। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे मॉम डैड अल्लाह के पास हैं और मैं अपने माँ बाप के पास। मुझे इस खून खराबे से दूर रख। इस कहानी का मरकजी किरदार है तू, भाग क्यों रहा है? वैसे तूने कभी बंदे को बंदा नहीं समझा, वाहिद अशरफुल मखलूकात तू ही है, लेकिन जब याद करेगा तो इस कहानी में मेरा किरदार मेहमान अदाकार से ज्यादा कुछ भी नहीं। और तू तो वो शख्स है जो टिश्यू पेपर भी वो इस्तेमाल करता है जिस पे तेरा नाम लिखा हो। हर चीज को टिश्यू पेपर समझ, इस्तेमाल कर और फेंक दे। टेक केयर।
उसको सिर्फ एंग्जाइटी है जमाल। जमाल नहीं जुबैदा, जब तुम आती हो ना तो दिल सीने से निकाल कर इसके नहीं इसके मुंह पे मारने को जी चाहता है। फ्लर्ट करने से बीमारी बढ़ जाती, मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है। अब रोज थोड़ी देर के लिए आ जा कर, इन रानी तोपों को देख देख कर मजीद टेंशन बढ़ जाती है। अब हर वक्त एक दूसरे से क्यों लड़ते रहते हैं? जन जर जमीन के अलावा हर चीज के साथ हालत जंग में हूँ। इन लोगों का क्या मसाइल है आप इनसे पूछ लें। सुनो जुबैदा, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा, मगर मुझ पर तो कोई खर्च नहीं। जितनी आप हसीन है, मोहब्बत का कोई ना कोई पुराना उधार तो जरूर होगा। यकीन मेरे ना, ये है तुम लोगों की परफॉर्मेंस। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये लोग मुझे मजीद सहनी पस्ती का शिकार नजर आते हैं। माफ कीजिएगा, जूरा नजर नहीं आ रहा, उसको चेक करते हैं कहीं टीड़ी टीड़ी ना कर रहा। Excuse me. क्या हम आपको बुरे लगे? देखें, अच्छे बुरे हो सकते हैं और बुरे अच्छे, मगर हम में से अक्सर लोग स्ट्रेंज होते हैं, यानी कि अजीब। बस हमें अजीब होने से बचना है। मतलब हम अजीब हैं? अपनी समझ से तो तंग हैं जी, हमारा कोई बंदोबस्त कर दें। डॉक्टर बहराम और परी के साथ मेरी मीटिंग करवाए। मैम, डॉक्टर बहराम को आपने ही कहा था कि मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी, तो क्या बंदोबस्त करेंगी आप हमारा? बिजली के झटके दूंगी तुम सबको। एक तुम ही हो मेरे दोस्त, ये काम तुमने दिल लगा कर करना है। अच्छा सा ताबूत, बेदाग कफन और फूल ढेर सारे हैं। आखिर तुम्हारी टीना का जनाजा है, जरा धूम से निकले हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक बड़ी फजूल बीमारी है, थोड़ी देर तो एक मूड में रह लिया करो। अभी दो मिनट पहले जिंदगी गुलजार थी और अब कांटेदार। मेरा सच्चा आशिक बैरी, उस नाम की नहीं, वेट, उस पर कटी परी को देख के मुझे भूल गया। रिमू, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तो अब मैं क्या बहराम को मर के फिना दिखाऊं? नहीं, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, उसे खा लेना, फेंकना नहीं। तो जोर में बह के रहती बात होकर तुझे बहुत रूप चढ़ेगा टीना। सुन, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी बच्ची जल्दी घर आ गई, लगता है माँ का प्रेशर काम कर गया। आपके साथ डिनर करना था ना, इसलिए। That's great. वो तुम्हारी मैडम शाह आलम सर पर सवार तो नहीं रहती? The Elevens Club उनका साइड बिजनेस है, इसलिए कभी-कभार आती है। बाबा, आज फिर अम्मी ने 5 फोन किए। Oh God, finally रिटायरमेंट करवा दी मैंने तुम्हारे माँ की। कुछ दिन और लेक्चर देती, हम दोनों उसके जेरे ताब ना होते। अब अंदर चले। किसी मरे हुए इंसान को चैन तो लेने दो। वेट, आ जाओ। एक्सीलेंसी, मैं भी नथा खाना जी, गांव का हेडमास्टर, और मैं हूं खान साहब इजहार अली खान। जद्दे पुश्ती मिरासी है जी,
शादी वाला एक बाजा, बस वो भी बजा ही लेता है। पी 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 पी। मास्टर जी आप दोनों, मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ जूरे ने क्या फिर से निकाल दिया? जूरे की इतनी जरूरत? अब हम उसे अभी बंद करके आए हैं। आपके लिए, मेरी तरफ से। और मेरी तरफ से भी। देखिए मेरी बात सुने, जिंदा को फूल देते हैं और ये फूल आपकी फौदगी के लिए। How sweet. यहां से निकल के मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और वहां आपको डीन लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा आपको सुरों की मलका। कोरोना के बाद हम लोग फिर डिमांड में। मारवी तू, लेकिन मैं तो अतक आ रहा हूं आप दोनों के किसी भी काम के लिए। गो। दिल टूट सा गया है मेरा भी। सर टूट जाता तो क्या होता मास्टर जी? निक्सन, मास्टर जी, जी गेट आउट, जी गेट आउट। क्या मौत पड़ गई है, आ ही रहा था। प्लीज क्लोज द डोर। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्या किया मेरी बेटी के साथ मुझे नहीं पता। I'll see you all. Let go, मेरी बेटी को छोड़ दो तुम लोग। I'm gonna take you to court. छोड़ो मेरी बेटी को। Shut up, shut up, shut up, shut up. कौन सी बेटी? और ये मुंह बोला बाप क्या रिश्ता होता है? उसके इलाज में बिला वजह तुम घुस रहे हो, उसका इलाज नहीं होने दे रहे, उसकी माँ पागलों की तरह घूम रही है। You are the problem. छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं हाथ सीधे करें सब, calm down बहरी, इंजेक्शन लगाओ। No, नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। एक को देख लूंगा मैं। पैर यू ऑल सो जाएगा अभी ये। तुम बाहर खड़े होके पहरा दो। ओके मैम। जैसे ही होश आता है मैं डॉक्टर बहराम से पूछती हूँ कि करना क्या है इसका। I'll bury you all. I'll bury you all. Hello, darling. कितना सुख मिल रहा है मुझे आज इस तरह से तुम्हें तड़पता हुआ देखकर। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हें और बस तुम्हें। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। अच्छा तो फिर सच सुनो। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। नहीं, 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 बचाओ, हेल्प, ये मार डालेगी मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये मार देगी मुझे। फिर मार देगी मुझे। कौन आ रहा था? यहाँ तो कोई नहीं है। आपको वहम हो रहा है? मुझे, मेरे बेटे को। मैं यहाँ बाहर ही खड़ा हूँ। कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। मुझे, नूर को। तो मुसब, काम डाउन, कोई भी नहीं यहाँ पे। रिलैक्स। अच्छा डार्लिंग, आज मेरे बगैर ही पार्टी करो। नॉट फीलिंग वेल, फिर मिलते हैं। मिस यू टू। Thank you.
कामयाब मर्द के पीछे औरत और कामयाब औरत के आगे नाकाम मोहब्बत होती है। मेरी तो पहली और आखिरी मोहब्बत तुम है। और वो तितलियां जिनके साथ आप पार्टी करते हैं उनके बारे में क्या? मजमा लगाने की आदत है मुझे, कुछ दोस्त बहका देते हैं, चंद घड़ी अच्छी गुजर जाती। हाय वो तेरा साथ एक घड़ी भर का क्यों सताता है आदत? सना छोड़ दूंगा। I'm fine, कोशिश। एक बात तो बताओ, तुम मेरे सामने पिछले कदमों पे क्यों चलती हो? ताकि तुम्हारी आंखों में देख सकूं। दूसरा, मोहब्बत को पीठ नहीं दिखाते तुम तो इश्क मेरा। इस वक्त कहाँ है? पागल खाने में। हेलो, सलमान बोल रहा हूँ, सलमान डावर। मैं ग्रीन हूं।